हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं जो चैप्टर आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है गोइंग प्लेसेस। इस स्टोरी को लिखा है एआर बार्टन ने। एआर बार्टन जो है वो एक ज्यूरिख स्टोरी राइटर है जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। ज्यूरिख एक जगह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिख। अब इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, देयर आर एक्चुअली द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज सोफी, जिसको उसके फ्रेंड्स उसके फैमिली मेंबर्स सोफ भी प्यार से बोलते थे। सोफी एक टीनेजर, एक एडोलेसेंट लड़की है जो कि अपने सपनों की दुनिया में जीती है और उसी को सच मानना चाहती है, क्योंकि यूजुअली टीनेजर्स जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स की ये प्रॉब्लम है। मीन्स प्रॉब्लम क्या, वो एक फेज है हमारी लाइफ का जब हम अपने सपनों को ही सच मान करके उसी सपनों में जीना चाहते हैं। देन सोफी की एक फ्रेंड है जैंसी, जो कि उससे बहुत अलग है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिटी को समझती है और सपनों में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती है। फिर सोफी के एक फादर हैं, एक कैरेक्टर वो भी है, एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड से इंसान और स्पोर्ट्स को बहुत चाहते हैं, खासकर फुटबॉल देखना बहुत पसंद करते हैं। और जब भी उनकी फेवरेट टीम यूनाइटेड जीतती है तब वो पब्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं। एंड दिस फैमिली एक्चुअली ये सभी लोग जो हैं, एक डैनी कैशी को छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं, ये मिडिल क्लास भी, इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, ये पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आप आगे पढ़िएगा ये बात आप भी रियलाइज कीजिएगा। देन डेरेक जो है वो सोफी का छोटा भाई है, वो थोड़ा सा बदमाश टाइप का शरारती जैसा लड़का है। देन जॉफ जो है वो सोफी का बड़ा भाई है, 3 साल हो चुके हैं वो स्कूल से निकले हुए और अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, मतलब मैकेनिक की ट्रेनिंग वो ले रहा है। जॉफ जो है वो बहुत कम बोलने वाला एक शांत लड़का है और उसको भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और स्पोर्ट्स में भी स्पेशली टीम यूनाइटेड फुटबॉल की एक टीम है जो बहुत पसंद है। और उसकी एक प्लेयर है डैनी कैशी, एक बहुत ही ग्रेट, लेकिन आयरलैंड कंट्री को बिलोंग करता है, वो भी एक ग्रेट प्लेयर है जो कि यूनाइटेड टीम से खेलता है। डैनी कैशी इसके बहुत बड़े फैन है। जॉफ मीन्स इनफैक्ट पूरी फैमिली जो है वो डैनी कैशी की बहुत बड़ी फैन है। और सोफी की एक माँ है, वो भी एक उनका बहुत बहुत ही छोटा सा एक रोल है। इस स्टोरी की जो थीम है वो है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, मतलब जो एडोलेसेंट जो टीनेज होता है उसमें जो लोग बच्चे सपने देखते हैं, प्लस कुछ एक लाइक फैन होते हैं कोई स्टार्स की, उसको बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं और वैसे ही होना चाहते हैं। एक जगह मैं आपको आगे बताऊंगी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होता है कि सोफी और जैंसी अपने स्कूल से लौट रहे हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे हिलते डुलते चले आ रहे हैं। बातचीत हो रही है दोनों में और सोफी बोलती है कि मैं ना बड़े होकर के अपना एक बुटीक खोलूंगी। तो जैंसी बोलती है कि लेकिन तुमको एक बात पता है, बुटीक खोलने में बहुत पैसे लगते हैं। सोफी बोलती है कि मैं वो पैसे जमा कर लूंगी, पहले मैं मैनेजर का काम करूंगी और फिर पैसे जब जमा हो जाएंगे तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जैसे कि मैरी क्वेंट जो है, एक कैरेक्टर नहीं है, मैं उनके बारे में सिर्फ यही एक चर्चा है। मैरी क्वेंट ने जैसे किया, धीरे धीरे करके वो ऊपर बढ़ी, ठीक उसी तरह से मैं भी पहले मैनेजर का काम करूंगी फिर बुटीक खोलूंगी, लेकिन हाँ मैं यही सब करूंगी। तो जैंसी बोलती है कि लेकिन तुमको पता है ना, मेरे और तुम्हारे पापा दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों नेबर्स हैं, नेबर्स भी और फ्रेंड्स भी हैं, तो हमारे पापा जो है वो हम लोग को एक बिस्किट फैक्ट्री में ही डालेंगे, हम लोग वहीं पे काम करेंगे क्योंकि उससे ऊपर के काम करने का हमारा लेवल नहीं है, ना एजुकेशन है, ना हमारे पास पैसे हैं। सोफी बोलती है कि नहीं नहीं हम तो पैसे जमा करके सही बुटीक खोलेंगे। नहीं तो ठीक है, बुटीक नहीं खोल पाए तो एक्ट्रेस बन जाएंगे, एक्ट्रेस में भी बहुत पैसा है और बहुत नाम यश भी है, और ऐसा करेंगे कि एक्ट्रेस बन जाएंगे और साइड में एक साइड बिजनेस के लिए बुटीक खोल लेंगे या फिर एक ड्रेस डिजाइनर बन जाएंगे, फैशन डिजाइनर बन जाएंगे। तो सोफी पूरा अपने सपने भरी बातों को बोल रही है और जैंसी वहीं पे बार बार एक प्रैक्टिकल बात सामने ला रही है कि नहीं, हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना यही हमारी असलियत है और इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम सपनों की दुनिया में रहोगी, जब वो सपने टूटेंगे तुमको बहुत दर्द होगा। यही सब दोनों बातें करते करते सोफी अपने घर में घुसती है और बोलती है, मेरे अपना सोच मतलब धीरे धीरे दोनों बात कर रही है और तभी घर में भी घुसती है और बोलती है कि मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं बुटीक खोलूंगी। उसके पापा जो है वो काम से आए हुए, बहुत थके हुए, पूरे उनके कपड़ों पे गंदगी लगी हुई, मड है, डस्ट है, और तभी उसके पापा ये बात सुनते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि हो गया, अपने कहानियां बनाना बंद करो, जब तुम्हारे पास कभी पैसे होंगे ना तो एक घर खरीद देना हम लोगों के लिए, हो गया अब जाओ। घर में घुसती है तो डेरेक जो है उसका छोटा भाई, वो कुर्सी पे लटका हुआ है
और बोलता है क्या कि हाँ हाँ पापा, इसको लगता है ना जो सोफी है कि पैसे तो पेड़ पे उगते हैं। घर में पूरा थोड़ा गंदगी फैला हुआ है, कपड़े गंदे बर्तन है रखे हुए, छोटा सा घर है, बहुत क्लीन नहीं है। और तभी ये सोफी जो अपनी दुनिया में खोई हुई है, कुछ काम वाम कर रही है, एप्रन पहन के खाना वाना कुछ बना रही है। शाम हो जाती है, तब तक अंधेरा हो जाता है बाहर, और अंदर भी घर के अंदर वो चूल्हा जलता है, जिस लकड़ी पे जब खाना बनता है तो चूल्हा के धुआं से पूरा रूम में भी अंधेरा जैसा हो जाता है। और तभी जो है सोफी अपने जॉफ बड़े भाई को खोजते खोजते उसके कमरे में जाती है। वहां पे देखती है कि उसका बड़ा भाई, चूंकि एक मैकेनिक है, तो पेपर बिछा करके कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोल के कुछ काम कर रहा है। और जो उसका भाई जॉफ रहता है, वो उसके लिए एक ऐसा इंसान रहता है जिससे कि वो बाहर की दुनिया के बारे में सोचती है कि हम जान सकते हैं, क्योंकि जॉफ बाहर जाके काम करता है, वहां पे वो बहुत सारे लोगों से मिलता होगा, और जॉफ सोफी को बताता नहीं है, बहुत कम बोलता है। तो सोफी को लगता है कि हमेशा उसी दुनिया के बारे में सोचता रहता है जहां से ये काम करके आता है। जरूर वहां पे कुछ तो खास है और जो जॉफ है वो हमसे शेयर नहीं करता। तो बार बार वो बात करना चाहती है लेकिन जॉफ कुछ नहीं बोलता है। फिर वो मीन्स जो सोफी है वो फाइनली एक बात बोलती है कि सुनो ना, ऐसा है करके फिर वो रुक जाती है। फिर वो एक सपनों की दुनिया में खो जाती है और फिर सोचने लगती है कि जॉफ जो है वो उसका वो बहुत मानने लगा है सोफी को, उसको घुमाने के लिए बाइक पे बैठा के ले गया है, और सोफी बहुत खूबसूरत सा येलो ड्रेस पहनी है। और जैसे ही ये लोग शहर में जाते हैं, उस दुनिया में जाते हैं जहाँ जॉफ जाता है, तो सारे लोग खड़े होके इन लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसा सपना वो देखती है कि एकदम ग्रैंड वो बाइक पे बैठ के जा रही है, बहुत खूबसूरत येलो ड्रेस में, बहुत ही सुंदर लग रही है। और तभी इन सब बातों में लेकिन जॉफ जो है वो कुछ उस पर ध्यान नहीं देता, अपना काम करते रहता है। तभी सोफी अचानक से बोलती है, तुमको पता है मैं डैनी कैशी से मिली आज। जॉफ कहता, व्हाट, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सोफी बोलती, नहीं नहीं हम सच में मिले हैं, वो जो आर्केड नहीं शॉप्स के बीच में जो जगह है वहां पे मिले हैं, जो वो शॉप है ना रॉयस विंडो पे जहाँ पे कपड़े बिकते हैं, वहीं पे वो खड़ा था। तो बात एक्चुअली मैंने ही शुरू की, मैं उसके पास गई और मैंने बोला कि आप डैनी कैशी हो ना, तो वो ऐसे मुड़ा और बोला कि हाँ। फिर मैंने उसकी आंखें देखी, बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन आंख थी, जितना लंबा दिखता है उतना लंबा है नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत, उसकी स्माइल बहुत प्यारी, इतना सुंदर, इतना हैंडसम लड़का, ऐसे बातें कह रहा है। तभी जॉफ जो है वो उसके पापा को जाके बोल देता है कि सोफी ना डैनी कैशी से मिली है। उसका पापा विश्वास नहीं करता, तो सोफी बोलती कि नहीं हम सच में मिले हैं, वो बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ, हम भी एक आदमी को जानते थे जो कि टॉम फिनी से मिला था। टॉम फिनी एक इंग्लिश फुटबॉलर है, ही इज ऑल्सो ग्रेट फुटबॉलर। जॉफ बोलता है हाँ, आपने हम लोगों को बताया था उस बारे में। फिर सोफी बोलती है कि नहीं हम भी मिले हैं लेकिन डैनी कैशिस से, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, ऐसे हम लोग की बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने उससे बोला कि हमको डेरेक के लिए और जॉफ के लिए आपसे ऑटोग्राफ चाहिए। हम लोग बातें करते रहे, ना उनके पास पेन था ना मेरे पास पेन था। फिर वो बोले, फिर इस तरह से बातें हुई इसलिए मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, लेकिन सच बात यह है कि हम डैनी कैशिस से मिले हैं। खैर उसके पापा उसको डांटने लगते हैं कि अपनी कहानियां बनाना बंद करो एंड ऑल, बात खत्म हो जाती है। फिर एक सडनली जो सोफी है वो अपने भाई के कमरे में जाती है, उसके भाई के कमरे की एक दीवार पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे होते हैं, और उस फोटोग्राफ में एक फोटो जो यूनाइटेड टीम का फर्स्ट स्क्वाड था, जब वो टीम पहली बार बनी थी उसका जो फर्स्ट टीम मेंबर्स थे उनका फोटो लगा हुआ है, और डैनी कैशी का भी एक फोटो है वहां पे लगा हुआ। फिर बोलती है सोफी जो है जॉफ से कि हम तुमको एक सीक्रेट बताते हैं। एक्चुअली सोफी बार बार जॉफ को अपना सीक्रेट बता रही है ताकि कभी जॉफ भी जो उस दुनिया में जाता है, बाहर घूमता है, वो उस दुनिया के बारे में सोफी को बताए और उसको घुमाने ले चले। तो सोफी बोलती कि हम तुमको एक राज की बात बताते हैं, वो डैनी कैशी जो है ना उससे मेरी जब बातचीत हुई, ऑटोग्राफ के लिए पेन नहीं था तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, जब हम फिर से मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा, और नेक्स्ट वीक जो है वो मुझसे मिलने वाला है। खैर जॉफ पूरा तो उसको बिलीव नहीं होता, लेकिन हाँ वो डिसबिलीव भी शो नहीं करता, वो कुछ नहीं बोलता, वो तो ठीक है हो सकता है, मे बी इट बी ट्रू। फिर सैटरडे आता है, हर सैटरडे सोफी
उनके पापा डेरेक और जॉफ चारों लोग जो है वो जाते हैं टीम यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। तो वो जाते हैं, इस सैटरडे भी जाते हैं, और सोफी उसके पापा और डेरेक ये तीनों एक साथ बैठते हैं और जॉफ अपने दोस्तों के साथ ऊपर चला जाता है। यूनाइटेड टीम फिर से जीत रही होती है 2-0 से, मतलब यूनाइटेड टीम का 2 पॉइंट और जो सामने वाली टीम है उसका 0 पॉइंट, और ये जीती ही रहती है। और सेकेंड जो गोल है वो कौन मारता है? ऑफकोर्स इट्स डैनी कैशी। और सोफी बहुत खुश हो जाती है और ये सोचती है कि जॉफ भी कितना खुश होगा। फिर ये लोग वापस घर आने लगते हैं, इनकी टीम जीत चुकी है, बहुत खुश हैं सब लोग। जो डेरेक है वो घर आके बोलता है कि काश कि जो इस बार वर्ल्ड कप है ना फुटबॉल का, वो आयरलैंड ही जीतेगा। कुछ लोग बस पे बातें करते हैं कि काश डैनी कैशी इंग्लैंड का होता, वो आयरलैंड का है, इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। फिर जो उसके पिता हैं सोफी के पापा, वो अपना पब चले जाते हैं। सोफी फिर से अपने सपनों में ऐसे खोने लगती है, तब तक जैंसी आती है और जैंसी बोलती है कि तुम डैनी कैशी से मिली थी, झूठ बोल रही हो ना, तुम कहानी बना रही हो ना, अब दोस्त है तो समझ ही जाएगी ऑफकोर्स। तो सोफी बोलती नहीं नहीं हम सच में मिले थे, लेकिन तुमको ये बात कैसे पता चली? और जॉफ के बारे में सोच के गुस्सा होने लगती है। तब जैंसी जो वो बोलती कि हाँ, जो तुम्हारा भाई जॉफ है ना, वो मेरे भाई फ्रैंक को बोला है कि तुम डैनी कैशी से मिली थी। तो फिर सोफी जो है वो जानती है कि जो जैंसी है वो पूरे मोहल्ले की, पूरे नेबरहुड की एक तरह से बहुत ही बकबक करने वाली लड़की है, इसको कुछ पता चल गया मतलब पूरे नेबरहुड को पता चल जाएगा। तो डर जाती है और बोलती है कि तुमको बताया जॉफ, और गुस्सा होती है कि जॉफ जो है वो उसके सीक्रेट बातों को दूसरों से कह दिया। लेकिन तभी जैंसी बोलती है इसमें खराब क्या बात है, तुम्हारे पापा तो खुश ही होंगे ना। तभी सोफी को रियलाइज होता है कि शायद ये डेट वाली बात जो वो मिलने वाले हैं फिर से, वो जॉफ ने नहीं बताया है, और तभी थोड़ा सा रिलैक्स करती है और बोलती है कि जैंसी तुम जानती हो ना मेरे पापा को कितना गुस्सैल, कितने बड़े माइजर हैं, और जैसे ही लोगों को पता चलेगा, सब नेबर्स लोग आएंगे मेरे से पूछने के लिए कि क्या हुआ, कैसा है डैनी कैशी, कब मिली, और पापा उस भीड़ को देखकर मुझे फिर से डांटने लगेंगे और हम फिर से, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी को कुछ भी पता चले। जैंसी बोलती ठीक है हम नहीं बतलाएंगे। फिर शाम होता है, वो अपने घर लौटने लगती है सोफी, तभी वो एक जगह देखती है जहाँ वो बचपन में अक्सर खेला करती थी, एक पेड़ के छांव के नीचे, वहां पे अक्सर लवर्स आके मिलते थे। पेड़ का छांव है, थोड़ा सा एक मींस हाइडिंग प्लेस है वहां पे जहाँ लवर्स मिलते थे, और तभी वो इमेजिन करती कि एकदम परफेक्ट प्लेस है, हमने भी अगर कभी सोचा था कि हम अपने लवर के साथ मिलेंगे तो ऐसे ही जगह पे मिलेंगे। और तभी वो इमेजिन करती है कि डैनी कैशी आ रहा है, और वो किस तरह से एक्साइटेड हो रही है, वो पूरा इमेजिनेशन में उसकी सारी कहानी रन कर रही है। मतलब वो दिन में दिन, कहते हैं ना, दिन में जगह जगह सपना देख, खुली आंखों से सपना देखना, वही सपना देख रही है कि वो वहां बैठी है, उसके उसको उससे मिलने के लिए डैनी कैशी आ रहा है, और वो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। लेकिन फिर सडनली वो उदास हो जाती है कि जा, डैनी कैशी तो आने वाला नहीं, और इस दर्द के साथ हमको जीना होगा कि नहीं, एक्चुअली में हम डैनी कैशी से नहीं मिल पाएंगे, और लोग हम पे शक करेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, और हम उस शक को खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि हम डैनी कैशी से मिले ही नहीं है, हम कैसे खुद को प्रूफ करेंगे, कैसे लोगों लोग जो मुझ पर डाउट करते हैं कि हम सिर्फ झूठी कहानियां बनाते हैं, उनको कैसे गलत साबित करेंगे, क्योंकि वो तो सच बोलते हैं ना ऑफकोर्स, क्योंकि सोफी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी सबको सुना रही थी। फिर वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है, फिर जब वो घर लौट रही है, वही कपड़े की दुकान का खिड़की है, वहां खड़ा होती है, फिर से इमेजिन करती है कि वहां डैनी कैशी है, वो उसके पास जाती है, दोनों एकदम नजदीक हैं, बहुत पास हैं, बातचीत शुरू ही होती है, वो उसकी आंखों की चमक, वो देखती है कि डैनी कैशी की आंखें चमक रही है, वो कितना स्मार्ट दिख रहा है, और फिर ये बातें करते ये बोलती है कि मुझे प्लीज मेरे भाइयों के लिए ऑटोग्राफ दे दीजिए। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पेन नहीं है, ये भी बोलती है मेरे पास भी पेन नहीं है, और फिर से उसी सपनों की दुनिया में सोफी खो जाती है, जो कि उस दिन जो कहानी वो सबको सुना रही थी, उस दिन जो सपना उसने देखा था, वो फिर से एग्जैक्टली सब कुछ वही सोचने लगती है। फिर सैटरडे आता है, फिर ये लोग जाते हैं डैनी कैशी का मैच देखने, और डैनी कैशी एक जबरदस्त सा गोल मारता है, और सभी लोग तालियां बजाते हुए खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह ये स्टोरी एंड करती है। सो आई गेस दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ क्वेश्चन है इस कहानी से रिलेटेड, जैसे जो दोनों लड़कियां, उनको कहाँ पे काम वो करने वाली थी स्कूल के बाद, तो ऑफकोर्स दे हैड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, जैसा कि जैंसी ने कहा था।
जो सॉफी है वो क्या सपने देखती है और जैंसी बार बार उसको क्यों मना करती है। सॉफी सपने देखती है बुटीक खोलने की, एक्ट्रेस बनने की, फैशन डिजाइनर बनने की, लेकिन जैंसी बार बार उसको इसलिए मना करती है क्योंकि वो बोलती है कि प्रैक्टिकल बनो, ये सब हम लोगों की नसीब में, हमारे लक में, हमारे फेट में नहीं है, हमें एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। सॉफी क्यों गुस्सा होती है जब जॉफ डैनी कैसी से मिलने की बात उसके पिता को कहता है, क्योंकि सॉफी डर जाती है कि फिर से उसके पापा डांटेंगे कि तुम कहानियां क्यों बना रही हो, क्यों झूठ सच बातें कह रही हो। क्या जॉफ इस बात को मानता है कि सॉफी डैनी कैसी से मिली थी? तो ऐसा कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि जॉफ पूरी तरह से मानता है डैनी सॉफी की बात को, लेकिन हाँ ये भी ऐसी भी कोई लाइन नहीं जो ये बताता हो कि जॉफ जो है वो सॉफी पे डाउट कर रहा हो, बल्कि जॉफ ने अपने फ्रेंड फ्रैंक से ये बात शेयर की। इसका मतलब जॉफ कहीं ना कहीं सॉफी डैनी कैसी से मिली है इस बात को बिलीव करता था। कैसे सॉफी अपने भाई को अपने सपने में शामिल करती है? तो वो वहां पे एक जगह सपना देखती है कि वो अपने भाई के साथ जा रही है येलो ड्रेस में और लोग उसको ग्रीट करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इस तरह से वो अपने भाई जॉफ को भी अपने सपने में शामिल करती है। डैनी कैशी किस देश के लिए खेलता है? तो डैनी कैशी यूनाइटेड किंगडम के लिए खेलता है, वो है आयरलैंड का, बट एक्चुअली स्टोरी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आई गेस चूंकि बार बार वो यूनाइटेड टीम है तो यूनाइटेड किंगडम के लिए ही डैनी कैशी खेलता होगा। क्यों नहीं चाहती थी सोफी की जैंसी को डैनी कैशी से मिलने के बारे में पता चले? क्योंकि जैंसी जो थी वो पूरे नेबरहुड, वो स्टूपिड गर्ल थी जो कि पूरे नेबरहुड को बता देती ये बात और फिर उसके पापा गुस्सा होते। क्या सोफी सच में मिली थी डैनी कैशी से? तो ऑफ कोर्स नॉट, इट वाज जस्ट अ डे ड्रीम, वो सिर्फ सपना, अपने सपने को सच बना के लोगों को वाइल्ड स्टोरीज सुना रही थी। कब वो ओकेजन था जब वो डैनी कैशी को आमने सामने देखी थी? जो सैटरडे के दिन जब वो मैच देखने गई थी यूनाइटेड टीम का, तब जाकर के वो डैनी कैशी को सामने सामना देखी थी। सोफी और जैंसी क्लासमेट्स थी, फिर भी उन दोनों की सोच में क्या डिफरेंस था? तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जहां सोफी एक डे ड्रीमर थी, इमेच्योर गर्ल की तरह बिहेव करती थी, सिर्फ सपने देखती थी और उन सपनों को रियल बना के लोगों को कहानियां भी सुनाती थी, तो वहीं जैंसी एक प्रैक्टिकल लड़की थी जो कि अपनी हकीकत, कहते हैं ना, अपनी लिमिटेशन सब कुछ जानती थी और उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में खुशी खुशी वो आगे बढ़ रही थी। सोफी के पिता का कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो ऑफकोर्स शॉर्ट टेम्पर्ड बतलाया गया है उनको, क्योंकि जैसे ही वो घुसती है सोफी घर में शुरू में ही, तो वो गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि हो गया अपने वाइल्ड स्टोरीज को बंद करो, पैसे होंगे तो घर बनाना। फिर सोफी अपने दोस्त से बोलती है कि जानते हो ना मेरे पिता कितने बड़े माइजर हैं। एंड ऑल तो इन सारे इंसिडेंट से ये पता चलता है कि जो फादर थे सोफी के, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे। हाँ, वो स्पोर्ट्स खेलना देखना बहुत पसंद करते थे और जब भी उनकी टीम जीतती थी तो वो इंजॉय करते थे, पब में जाते थे और बहुत खुश रहते थे। सोफी जो है वो अपने भाई जॉफ को इतना पसंद क्यों करती थी और वो जो उसका भाई था वो उसके लिए क्या सिंबलाइज करता था? जॉफ को सोफी इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसको लगता था कि जो बाहर की दुनिया, जो वास्ट वर्ल्ड है, और उससे सिर्फ जॉफ ही है एक ऐसा लड़का जो कि कांटेक्ट रखता है और जॉफ ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है सोफी को उस वर्ल्ड में। वो सोफी सोचती थी कि जॉफ एक दिन सोफी को अपने साथ घुमाने उस दुनिया में ले जाएगा। सोफी के लिए जॉफ एक ऐसा इंसान था जो कि उसका एक कांटेक्ट था, एक सहारा था, एक ब्रिज था जो कि सोफी को दुनिया से मिला सकता था। सोफी किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी और कैसे ये इंडिकेट किया गया है स्टोरी में? तो सोफी एक फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी, जैसे कि पहले ही बताया गया कि उसके पालते हैं कि तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम हम लोग के लिए घर खरीदोगे, दैट मीन्स उनका अपना घर नहीं था। सेकेंड, उसका भाई जॉब एक मैकेनिक की तरह, एक ट्रेनिंग अप्रेंटिस मैकेनिक की तरह काम कर रहा था, मीन्स एक ऐसा मैकेनिक जो ट्रेनिंग में हो। थर्ड चीज कि उनके घर जो थे वो बहुत छोटे थे, गंदगी थी चारों तरफ, बहुत क्लीन हाउस नहीं था। फोर्थ चीज, जब वो वापस घर लौटते रहती है उस वक्त वो कहती है कि उसके पिता का, लिखा स्टोरी में कि उसके पिता का बाईसाइकिल पब के बाहर था, मतलब उसके पिता के पास बाइक या कार नहीं था बल्कि एक साइकिल था। एक और पॉइंट ये कि जैंसी कहती है कि उन लोगों को सिर्फ एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का ही उनका फेट है, तो ये सारी बातें ये डिनोट करती है दैट दे बिलोंग टू अ पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। गाइज, होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टूड इट, then please don't forget to hit the like button, share this video with your friends and subscribe for my channel।
if you haven't subscribed yet. A very good luck for your exams that is on tomorrow, that is tomorrow. See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and best of luck.